Everyone, welcome back to your own YouTube channel, which is named as Stay Pain Free and Healthy, and this is Dr. Jyoti है. आज की वीडियो है अबाउट जो महिलाएं बहुत टाइम से ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, बहुत टाइम करने के बाद भी वो प्रेगनेंट नहीं हो पा रही हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ओवुलेशन में दिक्कत होती है, प्लस जो म्यूकस रिलीज होता है वो भी अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता है, ताकि वो स्पर्म को अपनी तरफ रिट्रीव कर सके, खींच सके वो, प्लस आपके साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आपके हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है, जस्ट इन अ कंडीशन लाइक PCOS, तो इन सब कंडीशन में, तमाम तरह कंडीशन में इन सबको बैलेंस करने के लिए आज हम एक प्रोडक्ट का यूज़ करने वाले हैं. आज हम इस तरीके की एक हर्ब का यूज़ करेंगे जो फीमेल्स को हार्मोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, प्लस ओवुलेशन में दिक्कत होती है, प्लस बिकॉज अगर आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे तो आपका ओवुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, और कभी कभी तो पीरियड रेगुलर होने के बावजूद भी हार्मोन्स आपके जो ओवुलेशन है वो नहीं होता है. तो जिन महिलाओं को इस तरीके की इश्यूज हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम फिब्रॉइड वगैरह, या इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इम्प्लांटेशन को भी सक्सेसफुल करने के लिए आज हम जो हर्ब का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है शतावरी. मैंने अपनी लास्ट आई थिंक वीडियोज़ में भी डिस्कस करा है, शतावरी एक बेस्ट कहेंगे वुमेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा करेगा, और मतलब रिप्रोडक्टिव के साथ फर्टिलिटी को भी इम्प्रूवमेंट करता है, हार्मोन को भी बैलेंस करता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट प्लीज़ चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज हमारा मोटिवेशन, एंड वीडियो इतनी सी पसंद आती है सब्सक्राइब करना तो बनता है. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, शतावरी आपको आराम से मिल जाएगी, कहीं बाहर नहीं जाना है लेने के लिए, कि हमको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि हम बहुत इतना ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपको आराम से मिल सकती है शतावरी. अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको खाने से महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं. जस्ट लाइक अगर आपको हार्मोनल इशू है, हर महिला को हार्मोन प्रॉब्लम होती है, पहले तो मेंस्ट्रुएशन जब चलता है तो इशू रहता है, फिर जब कंसीव कर लेते हो तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, फिर जब मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, तो तमाम तरीके की जो स्टेजेस होती हैं उस दौरान में हार्मोन का इम्बैलेंस रहता है. तो हार्मोन के इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमको आज लेना है शतावरी. अब हार्मोन को कैसे बैलेंस करेगा, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है खुद की, जो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, जिस लाइक PCOS, उसमें क्या होता है, आपके जो मेल हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं. तो ये क्या करता है, आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको बढ़ा के आपके हार्मोन को काफ़ी हद तक बैलेंस करता है. तो शतावरी की एक प्रॉपर्टी है, ये आपके हार्मोन को काफ़ी अच्छे तक बैलेंस करेगी. ठीक है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं है प्रेगनेंसी के लिए और हार्मोन्स का असंतुलन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हमारी यही होता है, ओवुलेशन गड़बड़ाता है, पीरियड गड़बड़ाता है, तो उसके लिए हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमको शतावरी को ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवुलेशन. ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ओवुलेशन में दिक्कत होती है, ओवुलेशन होता है तो टाइम पे नहीं होता है, पता नहीं लगता है, प्लस साथ ही साथ ओवुलेशन अगर पीरियड्स रेगुलर है तो तब भी ओवुलेशन नहीं होता. तो ओवुलेशन को लाने के लिए इसमें एक सब्सटेंस होता है जो आपके ओवुलेशन को काफ़ी तक हेल्प करता है होने के लिए. तो जिन महिलाओं को, जिनको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है. ठीक है, तो ओवुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इसका हेल्प मिलती है अगर जिन महिलाओं को नहीं हो रहा है. तीसरी इसकी खास बात है स्ट्रेस को कम करना. अब हम कहेंगे यार स्ट्रेस तो यार आजकल चलती फिरती ज़िंदगी में सबको है, बट स्ट्रेस को कम करने के लिए इसका क्या रोल है. देखिए क्या होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो आपको ओवेरियन सिस्ट, फिब्रॉइड्स और आपकी जो मसल्स नर्व होती है वो श्रिंक करने लग जाती हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उनमें टेंशन क्रिएट होने लगता है. तो अगर आप शतावरी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जो ये आपके नर्व्स हैं उनको काफ़ी हद तक रिलीज़ करेगा, एक स्मूदिंग इफेक्ट देगा, और आपकी नर्व्स और मसल्स को रिलैक्स करने के बाद एक बहुत ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. बिकॉज आपका स्ट्रेस आपकी इनफर्टिलिटी को कॉज करता है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप शतावरी को अपनी डाइट में लेते हैं तो आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करेगा, और साथ ही साथ आपकी जो मसल टेंशन्स हैं और जो नर्व्स अफेक्टेड होती हैं उनको भी काफ़ी हद तक रिलीज करता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये आपके जो है बच्चेदानी का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया उसकी दीवार को मोटा होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो थिन रहती है या बच्चेदानी के अंदर किसी तरीके का कोई इशू क्रिएट होता है तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है. तो इम्प्लांटेशन को हेल्प करने के लिए, बच्चेदानी के इन्वायरमेंट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए आपका शतावरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. बिकॉज शतावरी आपके जो बच्चेदानी है उसका इंटरनल एटमोसफेयर काफ़ी अच्छा रखता है, और उसको
इम्प्लांटेशन के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। तो जिन महिलाओं को लगता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है इतने ट्राई करने के बावजूद भी, सबसे पहले तो वो एंडोमेट्रियम अपनी थिकनेस चेक करवाएं, उसके साथ साथ अपनी डाइट में जो है शतावरी को भी लें और वो आपके इम्प्लांटेशन को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्व करता है, इसके साथ साथ ही आपका जो एस्ट्रोजन बैलेंस होता है। अब हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में जब इम्बैलेंस होता है तो पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बीच में चलता रहता है, कभी पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, कभी प्रेगनेंसी में, इसलिए तो दिक्कत होती है ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। इसके लिए आपको शतावरी लेना है। अब शतावरी क्या करता है, आपके एस्ट्रोजन को काफ़ी हद तक बैलेंस करता है ताकि आपका जो पीरियड्स है वो रेगुलर है और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका यही रोल है कि आपके एस्ट्रोजन को काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, और क्या नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जो हमारा एक गर्भाशय ग्रीवा का जो एरिया होता है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को रिट्रेन करने के लिए। बट क्या होता है, अगर उसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है गर्भाशय ग्रीवा का, तो स्पर्म डैमेज हो सकता है, स्पर्म को एंट्री नहीं मिलेगी, स्पर्म एक हेल्दी तरीके से स्विम करते हुए बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या है, एक ये आपके गर्भाशय ग्रीवा का जो एनवायरनमेंट होता है उसको काफ़ी हद तक अच्छा वाला पीएच प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म को आराम से एंट्री मिल सके और किसी तरह की कोई और मतलब स्पर्म की मोटिलिटी के साथ साथ स्पर्म की मोबिलिटी को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करे, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। इसके लिए शतावरी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसको भी काफ़ी अच्छे तक हेल्दी रखता है ताकि जो है स्पर्म है जो शुक्राणु है वो आराम से ट्रेवल करके आपके मच्छरदानी के अंदर से फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफ़र हो सके। तो इसलिए इसका इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये तमाम तरीके के हमारे जो है शरीर में विकास ही करता है, कोई रिग्रेशन नहीं करता है, विकास ही करता है। इसलिए शतावरी को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ प्रॉब्लम आती है, जो महिलाएं बार बार बीमार होती हैं बिकॉज उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए आप जो है शतावरी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी हद तक बूस्ट करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में WBC भी बढ़ाता है, जो आपको इम्यूनिटी से लड़ने, जो आपके इम्यूनिटी प्लस इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार साबित होती है, ठीक है। तो ये शतावरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस 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 आपके मच्छरदानी को बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जैसे मैंने बोला, प्लस आपके शरीर के जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको रेडी करता है कंसीव करने के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्रोवाइड कराने के लिए। तो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने का जो जिम्मा होता है, जो जिम्मेदारी है, वो हमारी शतावरी की है। तो जो महिलाएं शतावरी नहीं ले रही हैं, उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, वो इसको ज़रूर से ज़रूर शामिल करें अपनी डाइट में, बिकॉज जो फीमेल्स हैं वीकनेस होती है उसके कारण उनका इंटरेस्ट नहीं आता है, प्लस और तमाम तरीके के इश्यूज़ रहते हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा टाइम पे, तो इसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी डाइट में शतावरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे शतावरी किस फॉर्म में आता है, शतावरी आएगा आपके कैप्सूल फॉर्म में, आपके पाउडर फॉर्म में, तो इसको आप आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, अगर आप लेना है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बिकॉज इट्स एन हर्ब, तो आप आराम से जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल कर सकते हैं, बिकॉज ये हर्ब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सीरियसली में, ठीक है। अब बात करेंगे अपने खुद ही ले लेते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको उसकी एलर्जीज़ भी हो सकती है, हर एक इंडिविजुअल को हर एक चीज़ सूट नहीं करती है, तो उसके लिए आपको पहले टेस्ट करना है। प्लस अगर किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो रही है, जैसे लाइक इची आइज हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो इसको अपनी डाइट से हटा दीजिए, ठीक है। पहले टेस्ट करेंगे देन इसको यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि अपना खाने लग गया शरीर में कुछ भी दिख रहा है तो ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं। अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इस तरीके के सिम्टम्स मतलब आपको एलर्जिक हो रहे हैं, आप एलर्जिक हैं इसके शतावरी के, ठीक है। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स को देखने के लिए आपको थोड़ा सा ट्राई एंड टेस्टेड मेथड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई शतावरी की। तो जिन महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं हो रहा है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। अब अपने डाइट में शामिल कर लिया है तो हम सोचेंगे हमें रिजल्ट्स आज के आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट वेट फॉर 2 मंथ्स, उसमें आपके बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दिखेंगे, आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जो महिलाएं बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं वो शतावरी को अपनी डाइट में जरूर से ज़रूर शामिल करें, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके किस तरीके से आपको लेना है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और उनका सब कुछ ठीक होते हुए भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लस इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास ही रहते हैं बट हमें पता नहीं चलता और उनका यूज़ सीरियसली में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हो इस तरीके से अगर आप हमारे सब जगह जाके हर्ब्स प्रेजेंट होती है हमको पता नहीं होता है, इसको आप ज़रूर ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें और रिजल्ट देखना काफ़ी ज़्यादा विजिबल रिजल्ट होंगे और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक का वीडियो बनाना है कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।